प्रिय बच्चों, आज मैं आपको कुछ विपरीतार्थी शब्द अर्थात विलोम शब्द और कुछ पर्यायवाची शब्द बताऊंगी। तो विलोम शब्द किसको कहते हैं, आपने पिछले पाठ में पढ़ा था। विलोम शब्द या विपरीतार्थी शब्द ऐसे शब्दों को कहा जाता है जो विपरीत अर्थ अर्थात उल्टा अर्थ बताते हैं। यहाँ कुछ आपके किताब में दी गई हैं विपरीतार्थक शब्द, आप देखिए। अथ इति, अथ मतलब आरंभ और इति मतलब अंत, अंत होता है तो इति कहा जाता है। अनुकूल प्रतिकूल, अनुज अग्रज, अनुज जो छोटा भाई होता है या जन्म जो बाद में जन्म लेता है उसको अनुज कहते हैं, अग्रज जो पहले जन्म लेता है बड़ा होता है उसको अग्रज कहते हैं। अमृत विष, अर्थ अनर्थ, आदर अनादर, आदान प्रदान, आदि अंत, आय व्यय, आय मतलब इनकम होना और व्यय मतलब खर्च होना, आयात निर्यात, आयात मतलब अपने दूसरे देश से अपने देश में कोई वस्तु जब व्यापार करके मंगाई जाती है मतलब इंपोर्ट की जाती है तो उसको आयात कहते हैं, और निर्यात जब कोई वस्तु अपने देश से दूसरे देश को भेजी जाती है। आरोह अवरोह, आरोह मतलब किसी का ग्राफ ऐसे ऊपर जब जाता है तो उसको आरोह कहते हैं, और जब ग्राफ नीचे की ओर आता है तो उसको अवरोह कहते हैं। आशा निराशा, इच्छा अनिच्छा, इहलोक परलोक, धरती लोक को इहलोक कहा जाता है, परलोक जो दूसरा कोई लोक है धरती के अलावा स्वर्ग लोक उसको परलोक कहते हैं। आगे देखिए, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण, उत्तीर्ण हो जाना पास हो जाना, क्लास में पास हो जाना, परीक्षा में पास हो जाना, और अनुत्तीर्ण होना मतलब परीक्षा में फेल हो जाना। उत्थान पतन, उन्नति करना और ये डाउनफॉल होना मतलब किसी चीज़ का धीरे धीरे नाश होना, विनाश होना। उदय अस्त, सूरज का उगना कहलाता है उदय और उसका डूबना कहलाता है अस्त होना। उदार अनुदार, अनुदार उदार जो दयालु होता है, अनुदार जिसमें दया की भावना नहीं होती है। उन्नति अवनति, उपकार अपकार, उपस्थिति उपस्थित अनुपस्थित, उपस्थित मतलब प्रेजेंट रहना और अनुपस्थित मतलब एब्सेंट होना। कटु मृदु, कटु मतलब कड़वी, कड़वी बोली, कटु बोली, मृदु भाषा मीठी भाषा। कठोर कोमल, क्रय विक्रय, क्रय मतलब होता है किसी चीज़ को खरीदना और विक्रय का मतलब होता है उसको बेचना। क्रिया प्रतिक्रिया, कृष्ण शुक्ल, गुण अवगुण, गुरु शिष्य। तो इस टर्म के लिए फर्स्ट टर्म का आपका है ये पेज नंबर 32 में जितने शब्द दिए गए हैं अथ से लेकर गुरु तक, ये सारे शब्द विलोम शब्द आपको याद करने हैं। और एक चीज़ ध्यान रहे कि विलोम शब्द में जो दिया जाता है उसी को लिखना है, एक जोड़ी होती है इनकी, ठीक है। मिलता जुलता मीनिंग वाला वर्ड नहीं लिखा जाता है, ठीक। जैसे आदर अनादर, आदर का अपमान हम नहीं लिख सकते हैं, अपमान और सम्मान होता है, इसलिए आदर का अनादर ही लिखना है, आदर का अपमान नहीं होता है। तो इस तरह एक जोड़ी इनकी बनी हुई है और इसको इसी तरह से आपको याद रखना है। अगला है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द जैसा कि आपको पता है एक ही शब्द के दूसरा समान अर्थ बताने वाले
शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है, मतलब जो शब्द है उसका समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। यहाँ देखिए अतिथि, अतिथि का पर्यायवाची शब्द है मेहमान, अभ्यागत, आगंतुक, पाहुना। अध्यापक, गुरु, शिष्य, गुरु, शिक्षक, आचार्य, उपाध्याय। अमृत, पीयूष, सोम, सुधा, अमी। पीयूष, सोम, सुधा, अमी। अश्व, घोड़ा, तुरंग, है, घोटक। आँख, नयन, लोचन, नेत्र, अक्षी। आकाश, नभ, गगन, अंबर, व्योम। आग का, अग्नि, अनल, पावक, ज्वाला। आनंद, हर्ष, उल्लास, आमोद, प्रमोद, ये एक ही साथ है। उसके बाद है इच्छा, चाह, अभिलाषा, आकांक्षा, लालसा। ईश्वर, परमात्मा, भगवान, ईश, प्रभु। कमल, सरोज, पंकज, जलज, वारिज। गंगा, सुरसरी, जहानवी, मंदाकिनी। घर, गृह, आलय, निकेतन, धाम। चांद, चंद्रमा, शशि, राकेश, सुधांशु। जल, पानी, नीर, सलिल, वारी। झंडा, ध्वज, पताका, वैजयंती, केतु। अगला शब्द है पुत्र, बेटा, सुत, आत्मज, तनय। पुत्री, बेटी, सुता, आत्मजा, तनया। देखिए कैसे बदल गया दोनों। पृथ्वी, धरती, भू, धरा, मही, भूमि। फूल, पुष्प, प्रसून, कुसुम, सुमन। तो आप अतिथि से लेकर सारे शब्द और फिर फूल तक, ये आपका फर्स्ट टर्म का है। आप इतने दूर तक पढ़कर इसको याद कर लीजिए। तो विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द जो आपको दिए गए हैं उसको आप पढ़िए और उसको याद रखिए। और ये जो ग्रामर है आपको बहुत दिनों तक, मतलब 9-10 में भी काम आने वाला है, इसलिए आप इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा।